नमस्कार, अनादि टीवी के खास कार्यक्रम अनादि विशेष में आप सभी का स्वागत है और मैं हूं आपके साथ पूनम जैन। अनादि विशेष में आज बात बेहाल किसान पर। जी हां, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को हमेशा आपने ये कहते सुना होगा कि खेती को लाभ का धंधा बनाएंगे, किसानों की फसलें सोना उगलेंगी। इसके लिए केंद्र से लेकर राज्य सरकार तक कई योजनाएं भी शुरू की गई हैं। किसानों के खातों में हर साल तकरीबन 10,000 रुपए डाले जा रहे हैं, लेकिन क्या वाकई खेती लाभ का धंधा बन रही है? क्या वाकई किसान के खेत एक बार फिर सोना उगल रहे हैं? क्या वाकई किसानों को खेती करने से फायदा होने लगा है? आज इसी मुद्दे पर चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले देखिए रिपोर्ट। महामारी ने बीते 1.5 साल से किसानों को परेशान कर रखा है। कभी मंडी में बारदानों की कमी के कारण गेहूं की खरीदी में रुकावट, कभी भुगतान में देरी, तो कभी हमालों की कमी से किसान परेशान हो रहे हैं। अब सरकार के एक निर्णय ने उन्हें आर्थिक चोट दी है। संकट में फंसे अन्नदाताओं को अब 1200 रुपए में मिलने वाली DAP खाद के लिए 1900 रुपए चुकाने होंगे। महंगे होते रासायनिक खाद के दाम से अब किसानों की लागत में भारी बढ़ोतरी होना तय है। पेट्रोल डीजल के बाद महंगी हुई खाद के सवाल पर किसानों का कहना है कि खेती अब घाटे का सौदा बन रही है। लगातार रासायनिक उर्वरक खाद के भाव में बढ़ोतरी हो रही है। बात तो किसानों की आय दोगुनी करने की थी, इसके उलट आय दोगुनी तो नहीं हुई बल्कि किसानों की लागत में बढ़ोतरी की जा रही है। दूसरी ओर किसानों को फसलों के उचित दाम तक नहीं मिल रहे हैं। अब बढ़े हुए रासायनिक खाद की कीमतों से किसान आक्रोशित है। कांग्रेस ने भी बढ़ती महंगाई पर BJP सरकार पर निशाना साधा और इसे किसानों के साथ धोखा बताया है। इस मुसीबत के दौर में जब अपनी मुसीबतों से जूझ रहा है, तब सरकार रोज रोज नई मुसीबतें उसके ऊपर जो है पटक रही है। किसान को जीने के सारे संसाधन उसके चुक रहे हैं, इसके बावजूद DAP की कीमतें बढ़ा दी गई, खाद बीज की कीमतें बढ़ा दी गई। 1200 रुपए की बोरी 1900 रुपए में आ रही है। पेट्रोल की डीजल की कीमतें आसमान छू रही हैं। सेंचुरी मार चुका है पेट्रोल। लोगों के पास दवा खरीदने के लिए पैसे नहीं है, लोगों के पास अस्पताल का बिल चुकाने के लिए पैसे नहीं है, लोग अपने घर के गरीब लोगों की चिकित्सा नहीं करवा सकते, इसके लिए उसके पास पैसे नहीं है। लेकिन सरकार की वसूली में कोई अंतर नहीं है। सरकार लगातार आदमी की खाल खींचती जा रही है, ये बहुत दुखद है। देश में यूरिया के बाद किसान सबसे अधिक DAP और NPK खाद का इस्तेमाल करते हैं। सरकार ने जहां DAP 50 किलो वाले बैग की कीमत में 58% की वृद्धि की है, तो वहीं NPK खाद के भाव भी बढ़कर 1800 रुपए प्रति बैग कर दिए गए हैं। तो DAP के बढ़े दामों पर राजनीति भी शुरू हो चुकी है। हालांकि मामले में BJP ने केंद्र सरकार का बचाव किया है। BJP नेता का कहना है कि सरकार को कुछ सख्त फैसले लेने पड़ते हैं, लेकिन किसानों को इससे कोई नुकसान नहीं होगा। साल 2014 से पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी किसानों की आय दोगुना करने का वादा करते थे। सत्ता में आने के बाद भी बयानबाजी जारी रही, लेकिन जमीनी हकीकत कुछ और ही है। किसान नए कृषि कानूनों के खिलाफ दिल्ली बॉर्डर पर आंदोलन कर केंद्र सरकार से कृषि कानून वापस लेने की मांग कर रहे हैं। अब ऐसे में उर्वरकों की कीमतों में इजाफा कर दिया गया, जिसने किसानों की चिंता को बढ़ा दिया है। अब देखना होगा कि इस बढ़ती महंगाई के बीच खेती लाभ का धंधा कैसे बनती है। ब्यूरो रिपोर्ट, अनादि TV। तो जाहिर है कोरोना काल में लॉकडाउन लगने से किसानों को काफी नुकसान हुआ है। ऐसे में खाद की कीमतों में इजाफा होने से सवाल उठ रहा है कि अगर खर्च के अनुरूप उत्पादन नहीं हो पाया तब किसानों की क्या स्थिति होगी, क्योंकि खाद के दामों में इजाफा होने से किसानों को प्रति एकड़ औसतन 4,000 रुपए अतिरिक्त खर्च करने होंगे, जबकि डीजल के दाम बढ़ने से पहले ही जुताई, मिंजाई और अन्य किसानी कार्यों में लागत बढ़ गई है। अब सवाल ये भी है
कि क्या कोरोना से पहले ही बेहाल किसान महंगाई की दोहरी मार से कैसे बचेगा। इन्हीं सवालों का जवाब जानने और बेहाल किसान पर चर्चा के लिए स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद हैं हमारे ब्यूरो हेड ब्रजेश चौकसी जी। उन्हीं से चर्चा करते हैं और समझते हैं कि दोहरी मार जो किसान पर पड़ी आखिर क्या स्थिति होगी, क्योंकि एक तरफ सरकार जो है तमाम वादे करती है किसानों को ही फोकस करके कह सकते हैं कि जो सरकार बनाती हैं तमाम वादे किए जाते हैं चुनाव आने से पहले, चुनाव जीत जाते हैं उसके बाद सारे वादे भूल जाते हैं। पहले भी हम चाहे बीजेपी की बात कर लें या कांग्रेस की, किसान हमेशा से फोकस में रहे हैं, लेकिन क्या अब जिस तरीके से दोहरी मार कह सकते हैं चुनाव के बाद अपने सारे वादे भूल जाती हैं, जिस किसान को फोकस में रखकर चुनाव जीता आज वो किसान जो है फिर वही मजबूर हो रहा है। और एक तरफ हम देख भी रहे हैं कि आंदोलन चल रहा है, किसान जो है लगातार परेशान है और ऐसे में अब और ज्यादा किसानों की परेशानी बढ़ गई है। ब्रजेश जी, आप इसे कैसे देखते हैं, एक तरफ कोरोना काल पहली मार और पहले ही डीजल के दाम बढ़ रहे हैं लगातार हम देख रहे हैं और अब खाद के दाम भी बढ़ा दिए हैं। देखिए पूनम, किसान हमेशा आफत में ही रहता है, चाहे ओला हो, बारिश हो, अतिवृष्टि हो या पाला पड़ जाए, तो किसान संकट में रहा हमेशा, उसकी हालत बेहाली रही है। और इस दौरान सरकारें तमाम, चाहे वर्तमान सरकार हो चाहे इससे पहले की सरकार हो, किसानों को उत्थान की बात करते रहे। उन्होंने कहा किसानों की आय दोगुनी करेंगे, मोदी सरकार लगातार कहती आ रही है, मध्य प्रदेश में शिवराज सरकार भी लगातार ये बात कहती आ रही कि किसानों की आय दोगुनी की जाएगी या खेती को लाभ का धंधा बनाया जाएगा। लेकिन जिस तरह से परिस्थितियाँ आ रही हैं, जिस तरह से दाम बढ़ रहे हैं, जिस तरह से लागत बढ़ रही है, उससे तो ऐसा लगता है कि किसानों की आय दोगुनी नहीं हो रही, उनकी लागत दोगुनी हो रही है। क्योंकि आप देखिए, डीजल के दाम बढ़ रहे हैं, बिजली के दाम बढ़ रहे हैं और अब खाद के दाम बढ़ रहे हैं। खाद के दामों की हम बात करें तो लगातार पिछले कई सालों से दामों में वृद्धि होती जा रही है। पिछले महीने सोशल मीडिया पर बड़ी तेज़ी से खबरें वायरल हुई कि खाद के दामों में वृद्धि होगी, तो जो केंद्र सरकार के अधिपत्य में जो कंपनी है एफको, उसने खंडन किया था बाकायदा कि जो बोरियों पर दाम लिखे जा रहे हैं वो किसानों के लिए नहीं है। हमारे पास 11 लाख से अधिक टन खाद मौजूद है और जो हम किसानों को उपलब्ध कराएंगे वो खाद पुराने दामों पर ही उपलब्ध कराएगा। हालाँकि जो निजी कंपनियाँ हैं वो पहले ही दाम बढ़ा चुकी थी। लेकिन देखिए, जब मार्केट में ये बात आई तो निश्चित तौर पर अब आज किसानों को खाद 700 रुपये ज़्यादा महंगा मिल रहा है, DAP। तो किसान कहाँ परेशान है खाद के कारण। पहले से आप एक हाथ से सरकार उनको दे रही है, प्रधानमंत्री किसानों की सम्मान निधि दे रहे हैं 6,000, मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान दे रहे हैं 4,000, 10,000 रुपये उनको दे रहे हो आप। लेकिन आप देखिए कि जो लागत उसकी बढ़ती जा रही है वो जो आपके देने से कहीं ज़्यादा हो रही है। एक एकड़ पर उसका यदि डीजल का, हम बिजली का और खाद का देखें, लागत देखें, तो कम से कम 4,000 रुपये बढ़ गई है। तो इस तरह से किसानों के साथ तो ज़्यादा नाइंसाफ़ी हो रही है। सरकार को इस खाद के जो दाम बढ़े हैं उनको वापस लेना चाहिए, उनको नियंत्रण करना चाहिए, जो निजी कंपनियां हैं उन पर भी दबाव डालना चाहिए। निजी कंपनियों की हम बात करें तो केंद्र सरकार बाकायदा गैर जो खाद, रासायनिक खाद होता है उस पर नियंत्रण नहीं है दामों को, लेकिन सब्सिडी देती है कंपनी। जो यूरिया, गैर यूरिया वाले जो खाद होते हैं उन पर कंपनियों को बाकायदा सब्सिडी दी जाती है। तो वो सब्सिडी या तो किसानों को सीधी दी जाए, उन पर प्रेशर बनाया जाए। हालांकि ऐसा कहा जाता है कि कोरोना काल के कारण कच्चा माल जो मिलता है खाद के लिए उसमें लागत बढ़ गई है, इस कारण बढ़ाए गए हैं। लेकिन कोरोना काल में तो किसान भी संकट में जूझ रहा है, उसकी ना तो फसल बिक पा रही है, ना मंडियों में उसको परेशानी हो रही है, तमाम तरह की दिक्कतों से वो भी जूझ रहा है। उसकी जो फसलें हैं, यदि वो सब्जी भाजी लगाता है, यदि वो सब्जी भाजी आज कोरोना काल में बिक नहीं पा रही है, सड़ रही है, हमने देखा है कि पहले ही कई खबरें आई रायसेन जिले से, पड़ोस के जिलों से, कि टमाटरों को किसानों ने सड़क पर फेंका, तो किसान लगातार मुसीबत में। ऐसे में यदि उसके पास और भार बढ़ा दिया जाएगा तो जो आत्महत्याओं को कम करने की बात कर रही थी सरकार, किसान बेहाल होकर, परेशान ना होकर, कर्ज में डूब कर जो आत्महत्या करता है, तो उससे तो और नया संकट खड़ा होगा जो खाद के दाम बढ़ जाने से। बिल्कुल ब्रजेश जी, अब हमारे साथ आलोक जी जुड़ चुके हैं। आलोक जी, किस प्रकार की स्थिति वहाँ पर किसानों की है, जो है जिस प्रकार से हम देख रहे हैं कि कोरोना काल में किसान वैसे ही परेशान है, किसान की फसलें जो हैं सड़ रही हैं खेतों में, कई जगह से इस प्रकार की भी खबरें आई, किसान पहले से ही बहुत परेशान है, अब ऐसे में खाद के दाम भी बढ़ा दिए सरकार ने। देखिए पूनम, कहीं ना कहीं खाद के दाम जो बढ़े हैं डीएपी के, तो 2 महीने बाद जब
किसान खेतों में जाएगा और धान की फसल उसको लगानी होगी, जब उसको ये डीएपी की जरूरत पड़ेगी, तब कहीं ना कहीं 700 रुपए प्रति बोरी मतलब 58% की बढ़ोतरी जो की गई है वो किसान पर काफी असर डालेगी। अगर हम देश की बात करें तो सियासी पार्टियां हमेशा किसानों की समस्याओं को ढाल बनाकर अपनी राजनीति चमकाती है और सत्ता के संघातन पर काबिज हो जाती है, लेकिन काबिज होने के बाद में किसानों की समस्याएं जब की तस बनी रहती है। अगर बात करें हम पूरे देश की तो देश में 85% सीमांत किसान है, सीमांत किसान जिसके पास में एक हेक्टेयर से कम भूमि है। अब जिसके पास में एक हेक्टेयर से कम भूमि है उस किसान की सेहत पर ये जो असर पड़ेगा, मतलब वो कल प्रधानमंत्री के सामने या उस विधायक के सामने या सांसद के सामने ये सवाल रख सकता है कि केंद्र सरकार जो 6000 रुपए की जो सम्मान निधि ले रही है वो हम ही से ये बढ़ोतरी करके हम ही से ये वसूल कर रही है। बिल्कुल, लगातार पेट्रोल और डीजल, डीजल भी एक बहुत अहम चीज होती है खेती में। अगर आपको कल्टीवेशन करना है, बोनी करनी है, तो आज डीजल के दाम भी जो है वो 90 रुपए लीटर पहुंच गए, तो कहीं ना कहीं पूर्ण किसान का जो अर्थशास्त्र है वो पूरी तरीके से गड़बड़ा चुका है। और अगर गेहूं की बात करें या चने की बात करें तो गेहूं भी और चना भी दोनों में सरकार ने किसी भी प्रकार की कोई बढ़ोतरी नहीं की है, तो ये कह सकते हैं कि ये भी एक जुमला साबित ना, किसान ये ना कहने लगे भाजपा सरकार से कि जो खेती के जो लाभ का धंधा बनाने की बात ये कर रहे हैं, कहीं आप ये भी तो हम जुमले के रूप में पेश प्रस्तुत तो नहीं कर रहे हैं। जी पूनम जी, शुक्रिया आलोक जी हमसे इस बातचीत के लिए। तो बिल्कुल ब्रजेश जी, जिस प्रकार से आपने कहा था कि एक हाथ से दे रही है तो दूसरे हाथ से ले रही है, वही किसान सम्मान निधि, वही आलोक जी ने भी कहा कि जिस प्रकार से एक तरफ किसान सम्मान निधि दी जाती है लेकिन वही हम देख रहे हैं कि जो है महंगाई लगातार बढ़ाते जा रहे हैं, खाद के दाम बढ़ा दिए। चलिए अब हमारे साथ कांग्रेस से कुणाल चौधरी जी जुड़ चुके हैं। कुणाल जी बहुत स्वागत है आपका। जी नमस्कार जी। कुणाल जी, जिस प्रकार से जो है पहले ही किसान परेशान है, कोरोना काल में तो किसान वैसे ही बहुत ज्यादा परेशान है, आपने भी देखा होगा किस प्रकार से किसान परेशान हो रहे हैं, अब खाद के दाम बढ़ा दिए हैं, इसे आप किस तरह से देखते हैं? देखिए, लगातार किसानों के प्रति जिस प्रकार का नकारात्मकता का भाव भारतीय जनता पार्टी की सरकारों का रहता है वही भाव इनका दिखता है इसके अंदर। जो खाद की बोरियां 700 रुपए में मिला करती थी वो 2000 के आसपास पहुंच चुकी है, और आज जिस खाद की जो डीएपी की जो कीमत है, लगातार डीएपी और यूरिया की कीमतें बढ़ाते जा रहे हैं, और जो पहले 50 किलो की आती थी डीएपी की बोरी उसको 45 किलो का कर दिया, मतलब 5 किलो का वजन कम कर दिया और उसके भाव लगातार बढ़ाने का काम कर दिया। और जिस किसान की ये हालत कर दी है कि आज जो सोयाबीन की लागत, पहले मेरी सोयाबीन की लागत या किसान की लागत 1000 रुपए आती थी तो 4800 रुपए क्विंटल 4500 रुपए क्विंटल सोयाबीन बेचता था, और जब सोयाबीन का तेल मार्केट में लेने जाता था तो कहीं ना कहीं 50-60 रुपए लीटर उसको तेल मिल जाया करता था, और एक कृति का जो डब्बा आता है तेल का वो कहीं ना कहीं 700-800 रुपए के अंदर उसको एक तेल का डब्बा मिल जाता था। आज वही तेल का डब्बा 2700 रुपए का मिल रहा है, और सोयाबीन की लागत 2500 से 3000 हो गई और कीमतें भी 2500-3000 हो गई, मतलब लागत आपकी, क्योंकि आपने डीजल की कीमतें बढ़ा दी, आपने खाद की कीमतें बढ़ा दी, आपने बीज की कीमतें बढ़ा दी, आपने बिजली की कीमतें बढ़ा दी। जग लगातार जो किसानों को हर चीजें लगनी है, भाषण तो बहुत अच्छे देते हैं शिवराज जी, नरेंद्र जी, बड़ी बड़ी किसानों की बातें करते हैं, और जब इनके क्रियाकलाप देखो तो आज आप देख रहे हैं लगभग कितने महीनों से इस कोरोना काल में वो किसान लोग अपने आंदोलन पे बैठे कि हमें ये काले कानून नहीं चाहिए। किसी किसान ने उस आंदोलन का काले कानून को मांगा नहीं, पर जबरदस्ती किसान के ऊपर थोपने का काम करेंगे, और इतनी हठधर्मिता कि क्या कोई, अगर क्या ये राजा है क्या, कि राजाशाही है इस लोकतंत्र में, अगर सरकार से कोई गलत निर्णय लिया है किसान के पक्ष में नहीं है, उसे वापस ले लेना चाहिए, उसके अंदर सुधार की जो बात कर रहे हैं सुधार करके, पर किसानों को घर भेजना चाहिए। पर लगातार जिस नकारात्मकता की सोच के साथ, और इसी के कारण इस देश के अंदर जो हालत हो रही है कोरोना में भी, ये नकारात्मकता की सोच के कारण लोगों की लाशें बिछ रही है, कहीं गंगा में बहती दिख रही है, कहीं मध्य प्रदेश के अंदर पन्ना अजयगढ़ में, तो ये जो सूरत और जो सोच और जो विचार भारतीय जनता पार्टी का है, ये किसानों के प्रति घृणित मानसिकता के भाव से चंद चुनिंदा उद्योगपति इनको ये बना के देते हैं, प्लानिंग करके देते हैं, वही उद्योगपतियों के हिसाब से भारतीय जनता पार्टी की सरकारें चलती है, और वही लोग चाहे विधायक खरीदी में पैसा लगाना हो, चाहे चुनाव के अंदर पैसा लगाना हो, वो सिर्फ इनको चुनाव और चंदा देने का काम करते हैं, और उनके हिसाब से अभी देश के अंदर सरकार देश ही चला रही है, क्योंकि इनके ही पंजाब के कई सांसद, एक मंत्री ने तो इस्तीफा दे दिया, पंजाब की एक मंत्री ने, कई सांसद इनके अपनी बात कह चुके कि किसानों के साथ हमें नरम रुख रखना चाहिए, पर जिस हठधर्मिता के साथ, तो उसका एक कारण है कि चंद चुनिंदा उद्योगपति
देश की सरकार के सरगना बने हुए वो लोग जो तय करते हैं वो भारतीय जनता पार्टी की सरकार करती है। आप देखें कि डीजल $140 प्रति बैरल था, तब इस देश के अंदर 50 रुपए 40-50 मिलता था, और शिवराज जी उस समय साइकिल चलाते थे। आज वही क्रूड ऑयल की अंतर्राष्ट्रीय कीमत $70 के आसपास है, जब कीमत यहाँ पे 20 से 25 या 30 रुपए हो जानी चाहिए थी, तब जाके वो 90 की कीमत में बिक रहा है। और किसान को सबसे ज्यादा डीजल कौन उपयोग कर रहा है? आज इन्होंने डीजल की फिर कीमतें बढ़ा दी। अभी किसान क्या कोरोना काल में सिर्फ किसान उपयोग कर रहा है, अभी फसलें बेचने जा रहा है, अभी किसान को वहां पे उसका फसलों के लिए जमीन को तैयार करना पड़ेगा, उसको सारी चीजें करनी पड़ेगी। पर किसान के प्रति जो नफरत का भाव है उसी का कारण है कि किसानों के साथ नफरत करते भाषण देते बड़े बड़े। कुणाल जी, कुणाल जी, कांग्रेस क्यों यहाँ मध्य प्रदेश में किसानों के साथ खड़ी होती नजर नहीं आ रही, दिखाई नहीं दे रही है? खाद के दाम बढ़े हुए हैं लेकिन किसी की प्रतिक्रिया तक नहीं आई। एक सेकंड रुको, रोज आप मेरे ट्विटर पे देख लो, चैनल पे देख लो, सब पे देख लो, सबने प्रतिक्रिया दी है और लगातार किसानों के साथ। अभी सड़क पे आने का तो समय नहीं है, अभी एक कोई भारतीय जनता पार्टी जैसे तो हम नहीं कर सकते कि कोरोना काल के अंदर बंगाल पे आंदोलन कर रही है मध्य प्रदेश के अंदर, और जाके सारे उनके विधायकों को बंगाल के अंदर वो दे दीजिए, क्या मालूम कौन से सुरक्षा देने का काम कर दिया। भैया कांग्रेस पार्टी हमेशा किसानों की, कमलनाथ जी मध्य प्रदेश में आए थे, हमने मोटरों के बिल आधे करे थे, हमने किसान को यूरिया सोसाइटियों से दिया था, 80-20 का रेशियो कर दिया था कि 80% सोसाइटियों से मिलेगा और किसी की बंधक के नहीं है, बिगर बंधक के भी हमने 2 लाख तक का किसान का कर्जा माफ करा, हमने बिजली के बिल आधे करने का काम करा, घरों के बिल कम करने का काम करा, किसानों के प्रति जितना अच्छा वहां पे हमने खरीदी करी थी कि किसान जाता था, आज सुबह जाता था, शाम तक ट्राली तोल के आ जाता और तीसरे दिन पैसे मिल जाते थे। अभी किसान की हालत है, कोरोना काल में 7-7-8-8 दिन लाइन में लगा है, 1-1 महीने से पैसा नहीं आया। जब सोसाइटियां काटने का समय जून का है तो भी अभी मार्च के अंदर अप्रैल के अंदर सोसाइटियां काटने का काम करा। कुणाल जी ठीक है, आपकी बात मानी। अब अगर हम इसे इस तरह से देखें कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी खाद के दाम बढ़ गए हैं, तो क्या इसे भी कारण माना जाए कि केंद्र सरकार ने मूर्ख बनाने के धंधे हैं अंतर्राष्ट्रीय स्तर, और ये सब मूर्ख बनाने के धंधे हैं। गाय की ओर की कीमत तो बढ़ रही है, किसान की हर चीज की लागत की कीमतें बढ़ रही है, क्या डीजल की कीमत अंतर्राष्ट्रीय स्तर कितनी है? मैंने बताया आपको $140 से घटके $70 आ गई, तो किसान किसान को राहत नहीं दे रहा। बड़ी बड़ी मर्सिडीज वालों को कोई फर्क नहीं पड़ता है, उनको कितने का डीजल जलेगा उनके लिए कोई उसकी कीमत नहीं है, पर किसान के ट्रैक्टर में जब एक बार फुल कराने जाता है ना, एक ट्रक ड्रम लेने जाता है, तब उसे सूझ पड़ती है। ये मूर्ख बनाने के धंधे, बस किसान के ऊपर सारी चीजें कर दोगे और देश में चंद उद्योगपतियों के अरबों रुपए दे दोगे और उनके नाम से उनको बैंक से लोन दिलवाओगे, फिर उनको कुणाल जी, कुणाल जी, लेकिन फिर वही सवाल जिस तरीके से ब्रजेश जी ने कहा कि आपकी भी जिम्मेदारी कहीं ना कहीं विपक्ष की तो जिम्मेदारी बनती है ना, आपने कहा आप खड़े हैं, लेकिन कोई ठोस कदम, कोई ऐसा कदम जिससे किसानों को कुछ तो मदद मिले, राहत मिले, अगर सरकार बढ़ा रही है दाम। निरंकुश हो गई ना सरकार, निरंकुश हो चुकी है। इस सरकार की निरंकुशता की ये है कि मैंने क्या बताया, देश में कांग्रेस के तो छोड़ो, बीजेपी के जो 7 के दल है उन लोगों ने तक विरोध कर दिया, वहां की तो हरसिमरत कौर ने तो इस्तीफा दे दिया। सरकार जिस उस पे अटकी हुई है, मतलब किसान के आंदोलन 6 महीने, कितने महीनों से चल रहा, साल भर से ऊपर हो गया, और किस तरीके से किसान हर परिस्थिति में बैठे, पर क्या किसान के प्रति सोच नहीं? किसान भी बैठा है, कांग्रेस भी हर जगह देश में आंदोलन कर रही थी, सब जगह बात कर रही थी, सारे विपक्षी दल कर रहे थे, पर सरकार तो एक ये तानाशाह बैठा है, जिससे कहना तानाशाह, देश में सरकार नहीं चल रही, तानाशाह की तानाशाही चल रही। जब देश कोरोना से बच सकता था, बॉर्डर सील करना आसान था कि देश के अंदर इतना बड़ा ये वंडर करना आसान था, पर नमस्ते ट्रंप हम करेंगे, हम विदेशों के दौरे करेंगे, देश में राहुल गांधी समझा रहा था, देश के एक्सपर्ट समझा रहे थे, पर कोई बात नहीं, जब देश में लोग वैक्सीन समझा रहे थे तो विदेशों में, तो ये तानाशाह का क्या करोगे आप? तानाशाह को, ये लोकतंत्र में तानाशाह को एक्सपोज ही करा जा सकता है। हर व्यक्ति अपने पूरी ताकत के साथ आंदोलन भी करे, प्रदर्शन भी करे, किसानों के हक में आके बात भी करी, अब इस कोरोना काल में चुपचाप से फिर भाव बढ़ा दिए, मतलब ये चोरी कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं? ब्रजेश जी, आपने कुणाल जी को भी सुन लिया, वही तानाशाही कुणाल जी से बोल रहे हैं। अब हम देखें कि
खाद के दाम बढ़ाए, लेकिन इससे इतर भी हटके हम देखें कोरोना काल में किसान वैसे ही परेशान है। फिर अगर बात हम मंडियों की करें तो बारदानों की कमी, गेहूं की खरीदी में रुकावट, कभी भुगतान में देरी और कभी हमालों की कमी, तमाम तरह की जो है परेशानियां किसान के सामने पहले से ही खड़ी हुई हैं। अब ऐसे में अगर दाम और बढ़ा दिए, ये डीजल के दाम पहले ही बढ़े हुए हैं, बिजली के दाम भी हम देख रहे हैं, हर तरीके से मतलब जिस किसान पर फोकस करके नेता जो हैं तमाम नेता बातें करते हैं और सरकार बनाते हैं, लेकिन फिर वही सरकार बन जाने के बाद किसान कहाँ जाता है पता नहीं। देखिए पूनम, मध्य प्रदेश में ही कम से कम 1 करोड़ किसान हैं। अब 1 करोड़ किसान हैं तो उनके परिवार भी उनके साथ हैं, तो बड़ी संख्या में वोट बैंक भी है किसानों का, और वही वोट बैंक था जिसकी वजह से मध्य प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बनी थी, क्योंकि जो कर्ज माफी का जो वादा किया था कांग्रेस ने, तो किसानों को कहीं ना कहीं एक राहत दिखी थी जिस समय वो संकट में था, ओला पाला से जो प्रभावित चल रहा था, कर्जे से डूबा हुआ था, तो जो किसानों ने कर्ज ना देने की सोच लिए थे और उनको लगा था कि ये सरकार आएगी तो हमारे कहीं ना कहीं एक राहत मिलेगी, तो आप देखिए उसी वजह से सरकार बनी थी, लगभग भले ही वो पूर्ण बहुमत से ना बने हो लेकिन बॉर्डर पे आए थे। किसान हमेशा ठगा जाता है, किसान साहूकारों से ठगा जाता है, कर्जदारों से ठगा जाता है, फिर प्राकृतिक आपदाएं आती हैं जो किसान को संकट में डाल देती हैं। लेकिन आप ये देखिए कि आय उसकी दोगुनी की जगह उसकी लागत दोगुनी हो रही, तो सरकार को चाहिए कि उसको या तो कोई नए विकल्प उसको दे, उसकी मूल्य एक निर्धारित करे कि जो उसकी लागत है उससे इतने ज़्यादा में हम खरीदेंगे, तो या तो जो मिनिमम मूल्य है उसकी एक निर्धारित हो जाए, जो स्वामीनाथन कमेटी की जो सिफारिशें हैं वो लागू कर दी जाए। यदि डीजल के दाम बढ़ रहे हैं तो जैसे कि आप एक उद्योगपति से भी डीजल उतने में ही 1 लीटर वो खरीद रहा है, उतने में ही किसान खरीद रहा है, या तो किसानों के लिए एक ऐसी सब्सिडी दे दी जाए कि जो किसान अपनी बही लेकर आएगा पेट्रोल पंप पर तो उसको बाकायदा उसमें सब्सिडी दे दी जाएगी डीजल में, उसको अन्य लोगों की अपेक्षा, व्यापारियों की अपेक्षा, जो इनकम टैक्स पे ही है उनकी अपेक्षा, उसको कम दाम में डीजल मिले। तो सरकार को किसानों की दिशा में या फिर उनके राहत देने के लिए उपाय करना चाहिए। यदि डीएपी की खाद है की बात हो रही है या यूरिया की बात हो रही है, अन्य रासायनिक खादों की बात हो रही है। एक चीज और आपसे समझना चाहूंगी, सब्सिडी की आपने जो बात की, सब्सिडी खाद के दाम तो बढ़ा दिए लेकिन सब्सिडी नहीं बढ़ाई गई, इसका भी थोड़ा सा इसे भी आपसे समझना चाहेंगे। देखिए गैर यूरिया जो खाद होता है उस पर सब्सिडी सरकार उन कंपनियों को देती है जो ये खाद वितरण करती हैं, तो कंपनियों को खाद का जो सब्सिडी देती है वो सीधे कि कंपनियों को ना देकर उनको प्रेशर रखा जाए कि इतना ही मुनाफा आप कमाइए, किसानों से ज्यादा मुनाफा ना कमाए, जो सब्सिडी उनको दे रही तो किसानों को दी जाए। तो आप देखिए खाद के दाम लगातार क्यों बढ़ रहे हैं, इतनी क्या जो कच्चा माल है खाद का उसमें इतनी वृद्धि हो रही क्या लगातार, उतनी वृद्धि दिखती नहीं है, लेकिन जो कंपनियां हैं निजी कंपनियां हैं, आप सरकार के जो संरक्षकीय कंपनी है इफ्को है, जो सरकारी समिति है संगठन है, वो जरूर उसने पिछली बार वादा किया था कि हम दाम नहीं बढ़ाएंगे, लेकिन बोरियों पे दाम बढ़े हुए लिखे थे, इसका विरोध हुआ था पिछले महीने, तो उन्होंने कहा नहीं, जो हमारे पास 11,26,000 टन जो खाद है उनकी बोरियों पे भले ही हमने दाम बढ़े हुए लिखे हों, ये हमारी मजबूरी है। बकायदा ट्वीट करके पीएमओ को भी ट्वीट किया था संगठन ने कि हम जो किसानों को पुराने रेट पर ही देंगे, लेकिन आज जब किसानों को खाद की जरूरत है, वो खरीदने जा रहा है, तो उसको आप 700 रुपये ऊंचे दाम में मिल रहा है, 1900 की बोरी मिल रही है, 1150-1200 रुपये की बोरी 1900 रुपये में मिल रही है। अन्य रासायनिक खादों में भी वृद्धि हुई है, लेकिन सर्वाधिक इस खाद में डीएपी में वृद्धि हुई है 700 रुपये की लगभग, बाकी 36 रुपये से 150 रुपये तक की वृद्धि हुई, तो तमाम तरह की वृद्धियां हुई हैं। इसमें सरकार को अंकुश लगाना चाहिए, या तो उनको सब्सिडी दे या फिर इस पे जो महंगाई बढ़ी है, दाम बढ़े हैं उस पे कमी कराए। जी ब्रजेश जी, एक चीज और यहाँ पर मैं बताना चाहूंगी, कुणाल जी भी हमारे साथ जुड़े हैं। कुणाल जी, हमने बीजेपी के तमाम नेताओं से बात करने की कोशिश की लेकिन उन्होंने फोन रिसीव नहीं किया, बात करने से जो है उनकी तरफ से हमें कोई रिस्पांस नहीं मिला है। अब ऐसे में जब किसान की बात सरकार सुनने तैयार नहीं है, जाहिर सी बात है कि इसे यही समझेंगे कि किसान की बात सुनना ही नहीं चाह रहे हैं, तो अब विपक्ष क्या करेगा किसानों के लिए? है, हम किसान के साथ हैं, किसानों के प्रति हम लगे हुए हैं, और सरकार अगर विधानसभा चलेगी, अभी ये कोरोना काल हटेगा, सड़क पे भी संघर्ष करेंगे, सदन में भी करेंगे, और इस सरकार की तो अब हद से ज्यादा पार हो चुकी है, और किसानों के प्रति जो नफरत है हद से ज्यादा पार हो चुका, उसका तो जब भी जनता भी सबक सिखाएगी, अभी ये दमों में भी सबक सिखाया, पूरे देश में भी इनको सबक। बिल्कुल, शुक्रिया कुणाल जी हमारे साथ बातचीत करने के लिए। ब्रजेश जी, मैं आपके पास आना चाहूंगी, आप इसे किस तरीके से देखते हैं, जब जो जिम्मेदार हैं, जिन पर जनता ने किसानों ने भरोसा किया, वोट दिया, आज वो नेता बात करने तैयार नहीं है, जवाब देने तैयार नहीं है?
देखिए बुनो, अभी उनके पास कोई जवाब नहीं है, तो पिछले दरवाजे से दाम बढ़ा दिए गए हैं क्योंकि कोरोना काल चल रहा है, कोई हो हल्ला नहीं हो पाएगा, घर में बैठे हैं किसान भी, अपने घरों में बैठे हैं ना, वो मंडी तक नहीं जा पा रहे हैं, अपनी फसल तक नहीं बेच पा रहे हैं, तो वो कैसे आंदोलन करेंगे। तो इसका फायदा निजी कंपनियों ने भी उठाया और सरकार ने भी इसको एक अवसर के रूप में देख लिया किसानों को, कि अभी दाम बढ़ा दीजिए, जब तक वो किसान अपने फसल बोएगा तो वो यूरिया और DAP खरीद ही लेगा, तो उसको जब एक बार खरीद लेता है आदमी तो फिर उसको संतुष्टि हो जाती है कि भाई ठीक है अब तो हमने ले ही लिया है। तो मुझे लगता है कि सरकार ने ये अवसर देखा है इस आपदा में और उनने पिछले दरवाजे से बढ़ा, जबकि वो चाहती सरकार तो अभी ना बढ़ा के, जब पहले ही आप दावा कर रहे थे कि हमारे पास पर्याप्त खाद है, पर्याप्त है जो हम दे सकते हैं, सप्लाई कर सकते हैं, तो अभी आपको कोरोना काल में बढ़ाने की जरूरत नहीं थी। लेकिन चूंकि अभी विरोध नहीं हो सकता है, किसान आंदोलन भी देखिए आप ठप पड़ा हुआ है, क्यों ठप पड़ा हुआ है, क्योंकि सब लोग कोरोना से जो संक्रमण तेजी से पूरे देश में फैल रहा है, हर परिवार डरा हुआ है, चाहे वो किसान हो, चाहे गरीब हो, चाहे बड़ा उद्योगपति हो, सब घर में सिमटे हुए हैं, आपने लॉक कर दिया उनको, तो जब तक अनलॉक नहीं की व्यवस्था नहीं होती तब तक कोई विरोध करने वाला नहीं है, कोई सड़क पर उतरने वाला नहीं है, तो वो घर में ही कुड़कुड़ाकर रह जाएगा एक तरह से किसान के, भाई हमारे दाम बढ़ गए लेकिन मजबूरी है उसको तो लेना ही है। तो आप देखिए उसकी वजह से किसानों पे दिक्कतें तो आ रही हैं, उनकी दोहरी मार हो गई है उन पर। तो जो किसानों को जो किराए पे खेती देते थे छोटे किसान जो थे, उनको उतनी आमदनी नहीं होगी, यदि जो सबसे ज़्यादा मार पड़ेगी जो सबसे छोटा किसान था, मध्यम वर्गीय किसान था, बड़े किसानों को कोई पहले भी फर्क नहीं पड़ता था, जिनके पास आज भी फर्क नहीं पड़ेगा, वो तो एक तरह से उद्योगपति टाइप के हैं तो उनको फर्क नहीं पड़ता, लेकिन जो छोटे किसान हैं उनको, आपने जो 5 एकड़ के किसान हैं जिनको 10-10 हज़ार रुपए का आपने एक तरह से लालच दिया था, वो प्रभावित होंगे। एक संक्षेप में आपसे जवाब चाहूंगी, क्या इसे इस तरीके से भी देख सकते हैं, सरकार जो ऑर्गेनिक फार्मिंग की बात करती है, जैविक खेती को बढ़ावा देने की बात करती है, इसलिए रासायनिक खाद के दाम बढ़ा दिए? नहीं, इसको आप हम इस तरीके से नहीं दे, जैविक खेती करने की जो आप बात करती है सरकार, वो जैविक खेती कोई छोटा किसान 2 एकड़ वाला 5 एकड़ वाला नहीं कर पाएगा, क्योंकि उसमें भी लागत होती है और उसकी फसल उस तरह से वो उपजाऊ नहीं कर पाएगा। यदि आप जैविक खेती करोगे तो आपकी फसल अभी फिलहाल तो जब इतने सालों से आप खाद दे रहे हो उसमें, जैविक पद्धति से करोगे तो आपको उपज पर भी फर्क पड़ता है और उतने तरीके से वो कर नहीं पाता। ये तो बड़े किसानों का है कि वो जैविक खेती कर रहे हैं और उनकी पैकेजिंग कर रहे हैं और बड़े लोगों को बेच रहे हैं, छोटा किसान तो अभी उतना सक्षम हुआ नहीं है, उसको आपने सक्षम कर नहीं पाए हो, तो आप 10 हज़ार में उसको सक्षम कर भी नहीं सकते हो, कि 10 हज़ार आपने दे दिए तो वो जैविक खेती करने लगेगा घाटे से, वो तो यूरिया देगा DAP देगा ताकि वो उसको ज़्यादा से ज़्यादा वहाँ पे फसल उपज ले सके। तो मुझे नहीं लगता कि जैविक खेती की दिशा में बढ़ाने के लिए उसको अलग से सब्सिडी दे सरकार, जैविक खेती बढ़ाने के लिए अलग से काम करे, लेकिन ये खाद के दाम बढ़ाने से कोई उसमें कमी आ जाएगी ऐसा संभव नहीं है कि खाद डालना कम कर देगा किसान, वो तो प्रति एकड़ उसको जो डालना है वो तो डालना उसकी मजबूरी है, यदि उतना खाद नहीं डालेगा तो जो फसल उपज हो रही है वो होगी नहीं। जी शुक्रिया ब्रजेश जी इस तमाम जानकारी को साझा करने के लिए, चर्चा में जुड़ने के लिए। तो बिल्कुल किसान जो है आज बेहाल है, जिस किसान पर फोकस करके नेता सरकार बनाते हैं, तमाम जो पार्टियां अपनी सरकार बनाती, चाहे BJP की बात कर ली जाए, कांग्रेस की, लेकिन जब किसान सरकार बन जाती है उसके बाद किसान को नेता भूल जाते हैं। आज किसान वैसे ही परेशान है, चाहे मंडियों की बात कर लें, हम देख रहे हैं मंडियों में भी किसान किस तरीके से परेशान होते हैं, तमाम परेशानियां उनके सामने खड़ी हुई हैं, डीजल के दाम बढ़ा दिए, बिजली के दाम बढ़ा दिए और अब खाद के दाम बढ़ा के, यानी किसान पहले से ही परेशान है और अब दोहरी मार पड़ रही है। ऐसे में आगे आने वाले टाइम में किसान और कितना परेशान हो, क्योंकि हम देख रहे हैं दिल्ली में किसान जो है आंदोलन लगातार कर रहा है, उसके बाद भी उनकी समस्याओं का हल नहीं हो रहा है और अब और ज़्यादा समस्याएँ ऐसे में किसान के सामने खड़ी हो गई। चलिए फिलहाल इस पेशकश में बस इतना ही और मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।